मध्य प्रदेश से आए महिला किसान और किसानों को पशुपालन और पशु संरक्षण का एक दिवसीय शिविर का आयोजन आनंदा फाउंडेशन द्वारा किया गया। नमस्कार, मैं पिंटू सैनी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज मध्य प्रदेश से आए दर्जनों महिला किसान और किसानों को श्रेय धारा कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालन व पशु संरक्षण का प्रशिक्षण आनंदा फाउंडेशन के द्वारा आनंदा पशु आहार प्लांट में दिया गया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा CSR के अंतर्गत 3 इंडोफोस मिल्को मशीन जो किसानों के हित के लिए दी गई हैं, जो आनंदा के चिलिंग सेंटर पर लगेंगी, जो दूध में सब एडल्ट्रेशन को पकड़ेगी। पशु आहार को भी उच्च गुणवत्ता वाला बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन आनंदा फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित, श्रीमती भवानी कृष्णा, रीजनल हेड नॉर्थ एक किलफोर्ड डिकोस्टा, CSR मैनेजर SBI जनरल अमित भट्ट, एरिया हेड के द्वारा किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने आनंदा फाउंडेशन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। SBI जनरल इंश्योरेंस के अधिकारियों ने UP में किसानों के लिए आनंदा फाउंडेशन के साथ CSR के अंतर्गत अग्रिम कार्य करने के लिए भी कहा। चेयरमैन ने कैटल फीड प्लांट और गौशाला का विजिट कराया। इस मौके पर आनंदा फाउंडेशन के समस्त मेंबर व किसान भाई उपस्थित रहे। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल। सबसे पहले मैं आज SBI जनरल की तरफ से जो आज प्रोग्राम आनंदा फाउंडेशन ने जो ऑर्गेनाइज किया है, इसमें मशीन है जो डेनमार्क की मशीन है इंडीफॉस। तो इंडीफॉस जब गांव में आप लगाते हैं तो मिल्क की एक्यूरेट टेस्टिंग होती है। उस एक्यूरेट टेस्टिंग से फार्मर को एक्यूरेट बराबर पेमेंट मिलती है, प्लस अडल्ट्रेशन पूरा टेस्ट हो पाता है। जितने प्रकार की जो इसमें अडल्ट्रेशन दूध में हो सकती हैं वो अडल्ट्रेशन सारी टेस्टिंग होती हैं, और लास्ट कोई अडल्ट्रेशन ऐसी जो नहीं भी टेस्ट हो पाती है तो मशीन बताती है कि ये दूध नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो इस मशीन को जब से हमने उपयोग किया है, इससे बहुत फायदा हुआ है, किसान को भी बड़ा बेनिफिट है, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो निकल के आ जाते हैं सामने कि ये अडल्ट्रेटेड दूध दे रहा है। तो आज आनंदा के 36 मिल्क चिलिंग प्लांट्स हैं, उनमें से SBI और आनंदा फाउंडेशन के दोनों के सहयोग से ये 3 चिलिंग प्लांटों पर लग चुकी है, और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि हर चिलिंग प्लांट पर ये मशीन लगाई जाए। और जो गांव में जो टेस्टिंग के लिए मशीन लगी है उसमें भी अडल्ट्रेशन चेक होती है, लेकिन जो और ज़्यादा जब टेस्टिंग करते हैं तो उसको मिल्क चिलिंग प्लांट पर लेवल पर जाके करते हैं। फैक्ट्री पर जाकर के करते हैं तो वहाँ एक एक फैक्ट्री पर 40-40 प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने बेस बनाया हुआ है। आनंदा फाउंडेशन की पूरी टीम जो आज MP में काम चल रहा है, जो ग्राम सखी बना करके जो आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश हो रही है, वो पूरी टीम यहाँ पर आई है। ये IDFC बैंक के द्वारा आनंदा फाउंडेशन को करीबन 2,25,00,000 रुपए का अनुदान मिला है। ये आनंदा फाउंडेशन, IDFC और आनंदा फाउंडेशन अपने खुद के CSR फंड से इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं।